तो नहीं क्या अभी आई नहीं था कहाँ अंदर ही है क्या अंदर हाँ तो ठीक है शर्मा जी आए बोलो बस अंदर फिर दिक्कत है बोलो शर्मा जी आए बोलो हाँ बस बोले जस रिचर्च सेंटर बोले तो बोला धरते चले गए इसमें लेकिन हाउस कहीं नहीं आएगा देखो मैं कहीं नहीं आएगा देखो मेरी बात मान लो तो अगर कुछ आ गया ना तो बहुत ज्यादा सबके हो जाएगी मेरे हाथ से कंट्रोल से खत्म हो जाएगा तुमको समझ नहीं रहे हो मेरी औकात एक चीटी से भी छोटी है ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर जितने लोग बाकी सब हैं तो ग्राउंडेड आ चुके हैं सब तो बताओ इंटरनली कौन कौन किससे कहाँ मिल गया था मेरे को मैसेज आ चुका है ठीक है कौन क्या बोला क्या नहीं बोला इस चीज को भैया तू अच्छे से समझ जबरदस्ती मेरे चक्कर में मैं तो चले जाऊंगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता ठीक है बाकी सब लोग के साथ जो हरकतें होने वाली हैं फिर कोई कुछ नहीं होता मुझे आपसे भी नहीं होता है ठीक है मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानता हूँ इसलिए मैंने तुम लोग को इन्वॉल्व किया था इस चीज में इसलिए मैं तुम्हारे चक्कर में इन्वॉल्व हुआ ठीक है आज अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं घंटा ही हुआ नहीं होते आप नहीं होते मैंने नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया हाँ ठीक बोले इसलिए मेरे को लगता है क्योंकि ये तो इनके पास है ना ऑलरेडी इनके पास है इन लोगों के पास इन लोगों के पास है वैसा है राजनीति में तुम जानते हो चीजों को ऐसी तैसी फिर धमाके से होगी फिर कोई भी मना दे ठीक है फिर मेरे हाथ में बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा मैं तो निकाल ले जाऊँ किनारे तो फिर सबके साथ क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे मत बोलना क्योंकि मेरे को मैं तुमको आज भी दोस्त मानता हूँ कल भी दोस्त मानता था परसों मानता हूँ मेरा नेचर डिफरेंट है हाँ मालूम है मैं आपका आपके सवाल ही नहीं उठता आपके लिए कोई संदेह ही नहीं है कि कोई ऐसी बात हो ऐसी कुछ संजू मेरे को मैं समझ गया ना तो मेरे को बस ये लगता है देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ अब उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल चीज बता रहा हूँ तुम्हारी वर्किंग कैसी भी हो लोग तुम्हारे में क्या बोलते हैं मैंने कभी तुमको बोला नहीं तुमको सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना चाहिए बहुत बहुत ही रहेगा गुरु गुरु रहेगा चेहरा चेहरा रहेगा मान लेना तुम ये चीज को तुम मान लेना तुम्हारे अगेंस्ट में कोई भी नहीं है ना पहले था ना है ना रहेगा तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं मालूम वो क्या रखता है पर मैं मेरी एक ही बार मुलाकात हुई है ठीक है पर उनकी बातों से मिलता समझ में आया कि दे हैव गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारे शुरू से रहा नहीं वो तो रहा है लेकिन आज नहीं है ना बस आज वही हमें अजीत जोगी ने बोल दिया कि ये लोग आए हैं इस छोटे से केस के लिए केन को फोन किया अगर उस समय आप नहीं करते तो मेरी बेइज्जती हो गई थी मैंने बचाया ना हाँ आपने बचाया ना लेकिन जिसके लिए अपन ने किया उस आदमी ने क्या बोल दिया ये लोग आए हैं मतलब हम लोग की श्रेणी क्या हो गई ये लोग की हो गई भैया आज क्यों मरते हैं आदमी इज्जत के लिए मरता है आपने ना इनके सब तेरा करियर बनने से पहले तेरा बिगड़ जाएगा सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे नंबर लेके क्यों अपन ऐसे ऐसी करा किसी चीज तुम समझ ही सकते हो तुमको कहाँ कहाँ से ट्रैप कर लिया गया मैं तुमको सिर्फ बुलाने का मकसद दूसरा चीज है ठीक है तुमको सेव कर लूंगा समझ में मेरे को सेव करने वाले 50 लोग बैठेंगे पावर में हो तो सिंपल चीज नहीं होता पावर में तो शायद मेरी वही होती जो हम सोच रहे हैं मैडम आ रहा हूँ अब बताओ उसको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ ना मेरे बाप उसको मुझे बैठ के लगता है देखो मेरी बात मानो राजनीति में ईगो वो तो अपना कोई है नहीं जानते तो अपन तो लेबर लड़ाई कम करते हैं देखे तो हो आप मेरी बात सुनना जो मुझे समझ में आता है मैं शांत हूँ भैया मेरे मेरा तो कुछ भी नहीं है मैं तब से ऐसा कुछ भी नहीं आप जैसा सोच रहे हो ना जिसने भी आप बोला होगा ये समझ लो मैं जैसे एकदम शांत में कुछ भी नहीं कहीं भी और मैं जो गया था वहां पे अर्जी दूसरे काम के लिए गया था तू किसी काम के लिए गया मैटर पे ना नहीं मैं नहीं करूंगा क्यों मैं क्यों करूंगा उस पर
नहीं कि एम आर पी तो खुद भी नाराज है बॉस, एम आर पी तो कल भी बैठा था। नहीं हो सकता, हाँ मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोल रही है तुम्हारे बारे में, सबके बारे में भी उन्होंने बताई थी, हमें कोई याद रहती है, मैंने जिस पे दोस्त हाँ हाँ सवाल ही नहीं उठता, जिम्मेदारी कुछ भी करे सही बात है, समझ में आते तो मैं उसके मुंह से सुनूंगा तो भरोसा दूंगा, नहीं तो मैं हो सकता है मैंने ज्यादा भरोसा किया तो मैं भी डूब जाऊँ। हाँ सही है, प्रिंसिपल भी करता हूँ, सही बात है। जो चीजें मुझे ऐसी ऐसी बोलती है तुम्हारे बारे में, जीवन के बारे में, बगैर के बारे में बताए। अच्छा ये किस टाइप का गेम है इसका भाई? देखो ऐसा है, तुम उसका समझो सीधा गेम, वो क्या कर रहा है वो तुमको महसूस हो रहा है सीधा गेम खेल रहा है, पर मुझे कहानी पता है। जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ मैंने पहला तेरे को बुला के तो पूछ नहीं अरे सारे लोग करते हैं फिर मैं सब बता के गया, मैं बहुत सारी चीजें बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुँह से सुनूंगा क्या बोल सकूंगा, दो ही चीज होगा सिंपल। मेरा तो कुछ भी नहीं है ये तो आप मान के लो, बिल्कुल मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, एक सोइट कुछ भी नहीं। तो फिर तुम लोग सोच नहीं सकते कौन क्या करना चाह रहा है और तुम लोग कैसे कंधे पर बंदूक रखे चलना चाह रहा है। देखो मोटा तो बनाएगा कोई ना कोई, सच्चे ही बताऊं तो मैं तो दाजी से भी नहीं लूंग से, दो लोगों से है दोनों बेटे से, तुमको इसी बता देता हूँ आज भी। और इनके पास जो रिकॉर्डिंग है ना, मेरी रिकॉर्डिंग है मंथुर राम पवार राजीव जोगी की दोनों की बात करते हुए कि हमने सीएम से बात कर लिया है और तुमको लाल बत्ती मिल जाएगी, किसी का नहीं हो सकता। मैं उस समय ही बोलता था, उस समय मैंने संजीव को ही बोला था। उस समय था कोई, नो डाउट उसमें था। तुम एक चीज सुन लिया, ये मेरे साथ हमेशा होता है, सुन लेना कैसे मेरा प्रमोशन की फाइल चल रही है, हाउस से फोन हो गया था, हाउस के अधिकारी का मेरी फाइल को रोक रहा है, मुझे पता है अधिकारी बोल रहा है फलाने मुझे फोन किया फाइल किया था, मैं क्या करूँ भाई साहब, उनको मैंने पहले भी एग्जाम्पल रिपोर्ट किया, मैं क्या करूँ बता पहले, मैं रुट के बैठ रहा हूँ, जाना बंद कर दूँ फिर दुश्मन ही पैदा करूँ, नहीं वो अब तो पारिवारिक नहीं, तुम सुनना चाहिए पारिवारिक नहीं है, तुम्हारा भी परिवार ही है पर यार अपन मानते हैं ना भाई, नहीं नहीं मानते ऐसे ये लोग नहीं मानते ना, मेरी चीज बात मैं क्या करूँ उनके साथ अपने सही बात है। आप देखो मालूम किसी अधिकारी ने बोला मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था उसने नीचे दुआ चल रहा होटल बोला पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लो, तुम क्या बोलोगे? अच्छा तो तुम क्या बोलोगे बताओ, उसकी जो एक्सेसी करनी थी वो हमने कर दी, बस क्या बोलोगे तुम, इसलिए तुम ना एग्रेसिव मत हो। मैं नहीं हूँ बस एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तेरा गुरु गुरु ही रहेगा बात मान ले तुम, तेरा कोई गुरु दूसरा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि आपस में लाइन ऑफ डिमार्केशन कभी नहीं बनाई, इसलिए सब चीजें कॉमन हो गई हैं। डिमार्केशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने तुम्हारी दोस्ती दोस्त के बीच में ये नहीं बोला कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ तो मैं पांच मिनट खड़ो के बात करूंगा तुमको, वैसे वहां भी नहीं किए जहां तक मुझे समझ में आता, वो तो नहीं है ठीक है। तुम्हारे भाई भाइयों में नहीं पटती है, जमती नहीं, मेरे भाई से कभी नहीं पटती लड़ाई होती है। हाँ सही बात है, भाई भाई में नहीं पट, भाई भाई में नहीं पटती है, इसका मतलब क्या दूसरे की जगह चले जाएंगे दूसरे से बात करना चालू कर देंगे, ये सोच के देखो ना, सोच के देखना मेरी तो मत कर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे किसी जिसने बोला है ना आप गलत बोला है, मैं अगर कोई उसमें आगे बढ़ रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ गलत है, एकदम गलत है मेरे को टोटल। मैं एक चीज चाहता हूँ बताओ ना भाई, जो बोलो मैं आपके तो कोई बात ही नहीं है, मुझे तुम्हें गारंटी दे रहा कि बड़े बॉस के साथ गिले चुके उनको खत्म करो ना, सौ लाट करो यार, तुमसे खाया पिया तो तुमने वहीं से ही भाई, चाहता तो एक मिनट लगता अमित को बोलने में, सीधा बोलने में कि तुम्हारी नाराजगी क्या है बताओ, आप तुम आओ नहीं तो मेरे को दिल्ली बुलाया ये आदमी ने बीच में अभी है ना, तुम आ जाओ यहाँ बात करते हैं करके, मैं गया वहाँ पे, मैं बन जाऊँ मेरे कोई शर्म नहीं, नहीं 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 तो काट लिया इनके लिए ना, फर्स्ट फ्यूचर करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं मेरी लाइफ में, एक ही चीज है सुनो, लाइफ में एक ही चीज है, आपस में सब मिलजुल के चले ना तो दो तो वही तो पैसे के देखो आप देखें पैसे कोई लला कभी कभी रही अपन लोगों क्या, हाँ वही तो ना, पैसा कमाने का भी ये रहा कभी कि नहीं इनके कारण अपन कमाएं ऐसा करें वैसा भी नहीं, मुझे लगता है
जब मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये आदमी जब मतलब ऐसा सोचना शुरू कर दिए हमको, मतलब मेरे बारे में तू मेरे में तो सोचा था तू पहले, मैं कितनी चीजें तुमने गुट पी रहा हूँ मैं। हाँ तू रिश्तेदार नहीं है, करीब हो सकता है। हाँ मैं तो रिश्तेदार हूँ। आप तो रिश्तेदार हो फिर, पर हाँ जब भी तकलीफ हुई है मैं तो इनसे नजर देखा हूँ उस आदमी की, इस बुरी तरीके से दर्द पीटी है कि आज वो आके माफी मांगता पैर छूता साथ बचा लो बुरी तरीके से निपटा है। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, दो आदमी बुरी तरीके से निपटा है, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं रिश्तेदारी होती है। मजे को तुमसे ज्यादा मत करो, कब फर बोला हूँ तुमको मैं, पहली बात मान लो तुमको आगे समझ नहीं आया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिना दिमाग रखे सोचना पड़ता है, क्यों सोचो हम 9:30 बजे की मुलाकात करें। ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अपने नहीं, मैं तुम्हें लेकिन ये आदमी नहीं सुधरेगा। तुमने मेरी बात इसी बता रहा हूँ मैं बात 4 बार 5 बार हो गया बॉस, मैं इसको मतलब जो है ना छोटे के साथ कई बार हुआ है, मतलब ये ऐसा अब ना मेरा कोई कंपटीटर मैं हूँ ना किसी के दौड़ में शामिल हूँ मैं, ना आप किसी पद के लालच में, ना राजनीति हस्ताक्षेप है मेरा, आप जो बोलते हो उतना ही काम करता हूँ मैं। उसके बाद आप मेरे को ये आज के लौंडे जो आए हैं इनके सामने मेरे को आप बेइज्जती करोगे, इनके सामने बोलोगे कि तू आज वहाँ 7 बजे हूँ मैडम, बाबा फोन मत की, मैं आ रहा हूँ 5 बजे। वही तो आज वहाँ आज वो कहाँ पहुँच गया वहाँ बेटा, एक काम भी नहीं बोलता, उल्टा लटक जाऊंगा बोलूंगा नहीं मैं, इतना इतना है मेरे क्यों नहीं बोलता हूँ, मार दूंगा मैं उसको पकड़ के, पर नहीं बोलूंगा। ठीक है आदमी की जिसकी औकात से चुपचाप नहीं पड़ेगा, सही है उस सिचुएशन होती है बस जो आपको शांत कराती है। चलो मैं समय शांत हूँ, कोई टेंशन नहीं, शांत नहीं होते कोई चीज बता रहा हूँ अगर। हाँ मेरे को इनसे एलर्जी है, तो तुम उससे परमिट मुझे परमिट करेगा तो मैं तुम्हारे बीच में सामने छोड़कर कॉम्प्रोमाइज करते हो कि मेरे को दोनों से फायदे हैं। पहली चीज बता रहा हूँ, देख सकते हो मेरी बात, आज फ्यूचर में 12 विधायक 20 विधायक 25 विधायक जो भी करोगे उनकी सहमति से करोगे तो मजा आएगा, नहीं करोगे तो स्टैंड नहीं हो पाएगी बात, समझ में आया। आज जैसे मैं अकेला मेरी औकात जी हुआ है, मेरे साथ कोई जोड़ा है इसलिए मेरी 100% आता है, इसको समझना, समझ में आता। इसलिए देखो बॉस ऐसा है दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, पर भरोसा करने वाले 2 या 3 ही मिलेंगे। अब बस आज 15 साल से इनको भरोसे तो कर रहे हैं पूरा। एक चीज बताता हूँ तेरे को, मैं सावन बंगला और सिविल लाइन्स में डिफरेंस एक ही चीज का है, सावन बंगला पुराने लोगों को भूलता नहीं है, तुम्हारे को गलत फहमी हो रही होगी पर मैं बता। नहीं नहीं आज के लोगों को चेंज हो गया, रवैया बहुत चेंज हो गया बॉस, नहीं हो रहा है विधायक बनने के बाद ना बहुत चेंज हो गया है। देखो बता रहा हूँ तेरे को, सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, थोड़ी सी नहीं बॉस आप नहीं समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ये आती हुई है। एक काम करें, एक काम करें, अगर तू परमिट करे तो देख, मेरे को कोई, हाँ ठीक है ना, इनको बुला लेता हूँ तुम्हें सामने जो बिले कर ले, तू अगर बोले कर लेना, निकाल लो मैं दिल्ली बुला के आदमी नहीं मिला मेरे भाई, दिल्ली मेरे को बोला हाँ तुम आ जाओ, मैं दिल्ली यहाँ ट्रीट करा गया भैया और दूसरे दिन ही वापस निकल गए, समझे ना, दुख नहीं होगा भैया बताओ मेरे को, दुख नहीं होगा, मैं अर्जेंट टिकट लेके जा रहा हूँ, 12,000 की टिकट लेके जा रहा हूँ अर्जेंट। तू बात ऐसी कर रहा है, अब तेरे को बता रहा हूँ तो अर्जेंट, मैं सीएम परिवार के साथ गया, मैं अधिकारियों ने इतनी बदमाशी की कि सिर्फ मेरा टिकट छोड़ के बाकी सबका बिजनेस क्लास हुआ, मैं इकोनॉमिक क्लास में बैठ के गया, कौन सा बड़ा सुंदर बूट है, सही बात है, कौन सा बड़ा सुंदर बूट है सोच के देख तू जरा, हाँ सही है, समझ में आता है। तो लोग तो चाहेंगे तुम जितने करीब जाओ तुमको दूर करें, तो तुम्हारा दिमाग है कि तुम और कितने करीब आते हो उनके। अरे मैं तो कभी सोचे ही नहीं इनके करीब अपने जो है, कभी मेरे को ये बोलते थे ना कि तुम नंबर वन हो गए, मतलब ये मेरे को नंबर वन नहीं चाहिए, मैं जीरो रहने दो बोला, बस सबसे बेस्ट जगह है मेरी वो जीरो, ना आगे ना पीछे। ये मेरे लिए कितना दुखदायक वाली बात होगी कि मैं करीम भाई नायक के साथ गोदन में बैठते जा रहा हूँ, पूरा परिवार सामने,
बहुत बड़ा। अच्छा तेरी क्या टेंशन है, तू कुछ तू तो 12 जगह टिकट लिया ना उस दिन से। मैं तो नहीं ली तो बहुत है ना भैया, उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं इनके साथ जाऊंगा पर टिकट मैं कराऊंगा अपने पैसे से। आज तक टिकट है, मैं अपने पैसे से कराता हूँ, चाहे बिजनेस क्लास में जाना हो या इकोनॉमी क्लास में। ये पर रिलेशन खराब नहीं है, रिलेशन खराब रहेगा। एक ही चीज समझना, नहीं खराब इतने में खराब हो जाता, दो मिनट लगता है खराब करना चाहते तो फैमिली मेंबर सारे नहीं उठता, दो मिनट हो जाता। धैर्य का परिचय देना पड़ता है कहीं ना कहीं। आज तुम्हारी पिछड़े की परीक्षा है जो तुमको देनी पड़ेगी शांति के ऊपर। बहुत सारे काम करने हैं, मैं तो इतनी चीजें प्लानिंग करके रखूंगा सब ये झटक जाएगा तुम करेंगे क्या। तो इनके यहाँ सिस्टम सारा पूरा बिगड़ गया है। सुनो ना, बिगड़ गया ना, पूरे लोग अलग हो गए हैं बॉस आज की डेट में। फायदा होने वाला आगे तो समझना पड़ा, पूरे लोग बिगड़ चुके हैं, पूरा सिस्टम अलग हो चुका है, सब कोई नहीं है साथ में। आज की डेट में आता हूँ आपको मैं, सब खत्म है, अंदरूनी बता रहा हूँ आपको मैं। कोई भी इनके जितने करीबी थे ना सब हट गए, सब हट गए, जितने भी सिस्टम अंदर थे इनके। सिर्फ जो पद में लालच है, जो जुड़े हुए कांग्रेस से, जो बाहर हैं संगठन से, वही इनके साथ में बस। मैं धैर्य करो, मेरे कोई बात नहीं बस।